तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के मिक्स गेमिंग। तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। तो आज के वीडियो में हम आज चेक करने वाले हैं कि हमारे जो न्यू अपडेट में जो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ये न्यू रैंप आया है तो उसमें से कौन सी कार सक्सेसफुल पार हो सकती है। तो मैंने चार कार रखी है इधर। तो सबसे पहले है फरारी, दूसरी है सुपरा, तीसरी है मस्टैंग और चौथी है GTR। तो सबसे पहले हम फरारी को लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो सक्सेसफुल निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। तो चलो मैं निकल चुका हूँ फरारी लेके। तो इधर मोड़ आया तो मेरे को थोड़ा ब्रेक मारना पड़ा। तो आगे चलते हैं कि चल क्या होता है, यहाँ कहीं टच होती है कि नहीं होती है। तो मैंने फुल स्पीड में जाने दे रहा हूँ इसको। तो गाइस आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरह से रैंप को पार कर रही है। तो सॉरी गाइस, इसको रैंप बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो मेरे को नहीं मालूम है, बस ऐसे ही मैंने इसका रैंप नाम रख लिया। तो ये हमारी फरारी तो सक्सेसफुल निकल गई है कहीं टच हुए बिना। तो चलो अभी हम दूसरी कार ट्राई करते हैं और दूसरी है हमारी सुपरा। तो हम चलो सुपरा के पास चले जाते हैं और फिर सुपरा को चेक करते हैं कि सुपरा सक्सेसफुल निकल पाती है कि नहीं निकल पाती। तो मैं सुपरा के अंदर बैठ गया हूँ और चलो अभी अंदर रैंप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये भी निकल पाती है कि नहीं निकल पाती है। तो गाइस फाइनली सुपरा लेके मैं अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे को थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ा। तो चलो अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है, निकल पाती है नहीं निकल पाती है। तो गाइस सुपरा भी काफ़ी अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि सुपरा भी निकलने ही वाली है। तो गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो हमारे सुपरा भी रैंप को पार कर लिया सक्सेसफुल। तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड में और फिर लेते हैं मस्टैंग को। तो चलो गाइस थोड़ा इसको मैं पार्किंग में लगा देता हूँ। चलो छोड़ो तो चलो अभी हम मस्टैंग को ट्राई करते हैं। तो चलो मस्टैंग के पास मैं चला जाता हूँ और फिर ट्राई करते हैं कि मस्टैंग है जो वो सक्सेसफुल पार हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मैं अभी मस्टैंग में बैठ गया हूँ और निकल चुका हूँ रैंप के अंदर। तो मैंने तो गाइस मेरे को मस्टैंग के अंदर ब्रेक नहीं लगानी पड़ी, वो वैसे ही निकल गई। तो आप देख सकते हैं कि मस्टैंग का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसमें। आप देख सकते हैं कि मेरे को कहीं भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही और अच्छी तरह से वो मुड़ रही है। तो मस्टैंग का मेरे को कंट्रोल ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपको अगर कौन सी गाड़ी का ज़्यादा कंट्रोल अच्छा लगता है तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो मस्टैंग भी गाइस निकल चुकी है सक्सेसफुली। तो चलो मस्टैंग को भी मैं अभी साइड में लगा देता हूँ और फिर हमारी जो नई अपडेट में जो नई कार आई है GTR, तो GTR को ट्राई करते हैं। और गाइस GTR के कंट्रोल ज़्यादा ही अच्छे है, ऐसा मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है। तो चलो अभी हम ट्राई कर लेते हैं कि क्या है इसका कंट्रोल अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो मैं अभी GTR लेके निकल चुका हूँ और गाइस काफ़ी अच्छे इसके कंट्रोल है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे को ब्रेक भी नहीं लगाना पड़ा और वो अच्छी तरह से मोड़ रही है जहाँ पे भी मोड़ आता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि GTR का कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। तो गाइस आपको GTR और मस्टैंग में से कौन किस गाड़ी का ज़्यादा कंट्रोल अच्छा लगा वो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो मेरे को तो ज़्यादातर इन दो गाड़ियों का ही कंट्रोल अच्छा लगा है और मस्टैंग और सॉरी गाइस सुपरा और फरारी का तो मेरे को वो वहाँ पे मोड़ पे ब्रेक लगानी पड़ी थी इसलिए वो उसका कंट्रोल तो ज़्यादा सही नहीं था। तो मेरे को सबसे ज़्यादा कंट्रोल GTR और फिर मस्टैंग का लगा। तो आपको कोई किस गाड़ी का ज़्यादा कंट्रोल अच्छा लगता है आप मेरे को कमेंट में बता देना। और अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं किस कार पर भी वीडियो बनाओ बता देना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।